देखिए कितना अच्छा बैगन का भरता बनकर तैयार हुआ है। बैगन का चोखा कहिए, बैगन का भरता कहिए, शुद्ध देसी तरीके से बनाया हमने इसे, अंगारों पर भूनकर बनाया है। वही टेस्ट है जो दादी नानी और मम्मी के हाथों से आता है। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज हम बनाएंगे बैगन का भरता। ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर कर रहे हैं आज हम आपके साथ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं बैगन का भरता। बैगन का भरता बनाने के लिए देखिए हमने बैगन लिया है, ये इस टाइप से हरा बैगन है, इसे हमारे यहाँ पर देसी बैगन कहते हैं। इसकी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसका भरता भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। साथ में हमने टमाटर लिए हैं, 3 टमाटर, लहसुन की कलियाँ ली हैं, छिलका हटा लिया इसका, और हमने 4 हरी मिर्च ली है। तो सबसे पहले हम बैगन में कट लगा लेंगे, इस तरह से ऐसे कट लगा लेंगे। हमें इसमें सिर्फ कट लगाना है, पूरी तरह से कट करना नहीं है, बस ऐसे कट लगा लेंगे ताकि हम इसे चेक कर लें कि अंदर कहीं कीड़ा तो नहीं है। देखिए इस तरह से ऐसे देख लेंगे कि अंदर कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि बैगन में कीड़े होने के चांस ज़्यादा होते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छा बैगन है, कोई कीड़ा नहीं है इसमें। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने हरी मिर्च ली है इसे इस तरह से अंदर डाल लेंगे, इसमें जैसे हमने कट लगाए हैं इनमें इस तरह से हरी मिर्च को डाल लेंगे ताकि साथ में ये भी अच्छी तरह से भून जाए। हरी मिर्च डाल ली, अब जो हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं इन्हें भी इस तरह से इसमें डाल लेंगे अंदर, और बैगन के साथ ही इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे इन्हें भी। देखिए सारी लहसुन को भी डाल लिया, हरी मिर्च भी हमने इसमें डाल ली। तो अब क्या करेंगे, ये हमने सरसों का तेल लिया है, इसे इस तरह से बैगन पर लगा लेंगे ऐसे। देखिए सारे बैगन पर सरसों का तेल लगा लिया, तो चलिए अब इसे रोस्ट करते हैं। देखिए यहाँ हमने कोयले वाली आग जला कर रखी है, इसमें इस तरह से डाल लेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे बैगन को। बिल्कुल शुद्ध देसी तरीके से बना रहे हैं आज हम बैगन का भरता, ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। आग में भून लेंगे इस तरह से पलट कर, अलट पलट कर कर। देखिए बैगन अच्छी तरह से भून रहा है आग में, तो हम इसमें ये टमाटर भी डाल देंगे, इन्हें भी अच्छी तरह से भून लेंगे इसी आग में, इसी अंगारे में टमाटर को भी भून लेना है। देखिए बैगन भी अच्छी तरह से भून चुका है, बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है बैगन, और टमाटर भी अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो निकाल लेंगे इन्हें, इस तरह से निकाल लेते हैं। बैगन भी निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए बैगन और टमाटर को हमने भूनकर निकाल लिया, अभी ये बहुत गर्म है, अभी हम इसका छिलका नहीं हटा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब हम इनका छिलका हटा लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए हमें इन्हें ठंडा करने के लिए पानी से धोना नहीं है, इसे पानी में डालना नहीं है या पानी इस पर नहीं डालना है, धोना नहीं है पानी से बिल्कुल भी, नहीं तो जो इसका स्मोकी फ्लेवर है, जो आग वाला फ्लेवर होता है, जो रियल जो टेस्ट होता है इसका, वो हट जाएगा, वो नहीं आएगा भरते में, इसलिए इसे ऐसे ही ठंडा होने देते हैं। देखिए थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसका छिलका हटा लेंगे। हमें इसे पूरी तरह से भी ठंडा नहीं करना है, नहीं तो अगर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसका छिलका हटेगा नहीं, उतर नहीं पाएगा छिलका। तो अब छिलका हटा लेते हैं इस तरह से, बैगन के साथ साथ टमाटर का भी छिलका हटा लेना हमें। देखिए बैगन से छिलका हटा लिया हमने, टमाटर से भी छिलका हटा लिया है, और इसका डंठल वाला पार्ट कट कर दिया। इसमें जो मिर्च हमने डाले थे इन्हें भी निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से मिर्च के डंठल हटा लेंगे। अब इसे इस तरह से कट कर लेते हैं, आप चाहे तो इसे थोड़ा मिक्सी में चला सकते हैं, लेकिन हम शुद्ध देसी तरीके से बना रहे हैं इसलिए हम इसे मिक्सी में नहीं चलाएंगे, इस तरह से मैश कर लेंगे। पहले कट कर लेते हैं फिर मैशर से इसे मैश कर लेंगे, आप चाहे तो इसे हाथों से मैश कर सकते हैं। हम इसे कट कर रहे हैं तो इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, हमने इसे आग में भुना है तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत स्वादिष्ट भी लगता है इस तरीके से बनाया हुआ भरता। वैसे तो हम गैस पर भूनकर बनाते ही हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बनाया जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। देखिए इस तरह से हमने इसे थोड़ा चॉप कर लिया, कट कर लिया इसे, तो अब हम एक दूसरे बर्तन में इसे डाल लेंगे। देखिए सारा बैगन टमाटर मिर्च को हमने इस बर्तन में डाल लिया, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से कम धनिया पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेते हैं सारी चीज़ों को,
बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है बैंगन के भरते में, बैंगन के चोखे में बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाए तो ही बहुत स्वादिष्ट लगता है ये। देखिए थोड़ा मिला लिया हमने, इसे थोड़ा मैसर से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं, हम इस तरह से मैसर से थोड़ा इसे मैश कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए मिला लिया हमने इसे, सारी चीज़ों को मैसर से बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चोखे में, भरते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे सारी चीज़ों को। तो लीजिए हमारा शुद्ध देसी तरीके से बना हुआ बैंगन का भरता या बैंगन का चोखा कहिए, बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हमने इसे। ऊपर से डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। इस भरते को आप बाटी के साथ खाइए, लिट्टी के साथ खाइए, गक्कड़ के साथ खाइए, रोटी पराठों के साथ खाइए, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये भरता। तो अगर बैंगन के भरते का ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते एक नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।